सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन विद रत्ना चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट्स। Hello friends, today I am showing you how to download GTA San Andreas India version and play. तो चलिए शुरू करते हैं। तो
सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ वो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, GTA सैन एंड्रियाज़ इंडिया मोड डाउनलोड कहाँ से करना है। तो उसके लिए मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बोल चलिए लिंक खोलते हैं, या मेरी खुद की वेबसाइट है। लिंक लोड हो रही है। आप देख सकते हैं वेबसाइट पूरी तरह लोड हो चुकी है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे नीचे स्क्रॉल करते जाना है। ये देखिए यहाँ से आप GTA San Andreas Lite जो सादा है, नॉर्मल वाला, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये APK फाइल डाउनलोड करनी है। वेबसाइट आप देख सकते हैं GTA San Andreas Lite APK फाइल, ये मात्र 12 MB की, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तो कर रखी है, तो मैं नहीं करता हूँ, आपको यहाँ से करनी है। और ये इंडिया मोड जो है डेटा, वो डाउनलोड करना है, नीचे वाला है, थर्ड नंबर पे। और इसका पासवर्ड मैंने दे रखा है, ये मोड विद रत्ना, ये पासवर्ड डालना है आपको। ये वेबसाइट लोड हो चुकी है, यहाँ से आप इंडिया मोड डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल मैंने कर रखी है, तो मैं नहीं करता हूँ। तो चलिए आपको प्रोसेस दिखाता हूँ अब कैसे क्या होना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये लोड हो रहा पेज। हाँ, अपना YouTube पेज पूरी तरह से लोड हो चुका है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसी पे क्लिक करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। इस पे क्लिक करते हैं, ये खुल गया। नीचे यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगी, और यहीं पे मैं आपको पासवर्ड भी दे दूंगा फाइल का। तो चलिए मोडिंग शुरू करते हैं। और ये मोड फाइल है, ये मेरी नहीं है, ये फराज खान जी की है, जो मोडिंग गुरुजी चैनल चलाते हैं, उन्होंने ये मूड पैक बनाया है। मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं तो बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल मैनेजर खोलिए, और वो देखिए जहाँ पर आपने उस गेम को डाउनलोड किया है। तो मैंने तो अपने आप क्रोम से करेंगे तो डाउनलोड्स में ही करेंगे डाउनलोड, और अगर यूसी ब्राउज़र से करते हैं तो यूसी डाउनलोड्स में होगा आपका। पर मैंने फाइल डिफरेंट जगह कर रखी है सेव। तो ये जो नीचे वाली फाइल है उसको आपको ये इसी नाम से आपको मिलेगी ये फाइल। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे आप 7Z आर्चीवर से। मैंने तो अपना Z आर्चीवर खोल लिया है। आप इस फाइल को, सॉरी दोस्तों, ये फाइल नहीं थी, ऊपर वाली फाइल है com.rockstargames.gtsandindias.7z,
ये 500 MB की फ़ाइल है, आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मैं इसे यहाँ करता हूँ एक्सट्रैक्ट। आपको ये वाली जो फाइल है ये आपको एक्सट्रैक्ट करनी है अपने डिवाइस मेमोरी में जाके, एंड्रॉयड के डाटा फोल्डर में, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करनी है फाइल अपनी। ये पासवर्ड मांगेगा तो आप पासवर्ड डाल देना मोड विद रत्ना। ये देखिए एक्सट्रैक्टिंग हो चुकी है यहाँ पे। अगर आप पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं तो आपको यहाँ ओवरराइट करने के लिए बोलेगा, आप ओवरराइट कर दीजिएगा। पर मुझे फिर उसके बाद आपको अपना रॉक स्टार गेम्स का फोल्डर खोलना है और उसमें मैं आपको जैसा बताता हूँ वैसा ही करना है। फाइल्स खोलनी है, फाइल्स में टेक्स्ट टीवी जो फोल्डर है उसे खोलना है, फिर GTA 3 में जाना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाल रखा है GTA 3 डॉट रीनेम डेट, तो यहाँ पे आपको रीनेम करना है इसको। अगर आपका GPU माली है तो आपको ATC लिखना होगा यहाँ पे। अगर आपका GPU एड्रीनो है तो आपको लिखना होगा यहाँ पे DXT। अगर आपका GPU पावर है तो आपको लिखना होगा यहाँ पे PVR। तो मेरा GPU माली है तो मैं यहाँ पे ATC लिखूँगा। ऐसे ही आपको सब फाइल हैं जो जी दो और फाइल बची हैं इनको भी रीनेम कर देना है। देखिए मैं रीनेम इन फाइल्स को कर चुका हूँ। और इसके बाद एक और फोल्डर है GTA-INT, इसको भी ओपन करना है। इसमें भी उसी तरह रीनेम करना है आपको अपने GPU के हिसाब से। तो मैंने बताया था कि माली वालों के लिए ETC है, एड्रीनो वाले के लिए DXT है, तो मैं अपना ETC रीनेम करूँगा। ऐसे ही आपको ये दो और बचे हैं ये भी कर लेने रीनेम। ये रीनेम हो चुके हैं, बस आपको और कुछ नहीं करना है। अपनी जो GTA San Andreas की APK फाइल थी उसे इंस्टॉल कर लेना इस प्रोसेस करने से पहले, और फिर आप अपने गेम का लुत्फ़ तो उठा सकते हैं। GTA इंडिया का लुत्फ़ बहुत बढ़िया गेम है, इसे एक बार ज़रूर खेल के देखिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो कर दीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन विद रत्ना चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट्स।